ओए होए होए, यहाँ से दिख रही है भाई साहब वैली, ये है सुसाइड पॉइंट। ओ माय गॉड, वहाँ से आए हैं, उस रोड से आए हैं हम, ऊपर कितनी ऊपर आ गए यार। ये आ गई भाई साहब जगह, सबसे फेमस जगह इस रूट की भाई साहब, अमेजिंग। ये देखो भाई साहब क्या मौसम, आज बिल्कुल साफ सुथरा, बादल का बी भी नहीं दिख रहा। और ये देखो, ये लैंडस्लाइड हुई थी, पता नहीं कब हुई थी, सब कुछ रोड राड सब टूट गई थी, इतनी तगड़ी लैंडस्लाइड होती। और ये पेड़ देखो, ये पेड़ तो खैर है ही नहीं, बेचारे की हड्डियाँ हड्डियाँ रह गई हैं, कितना डरावना सा है, जैसे वो नहीं होता भूतों वाली फिल्म में, इस पर चुड़ैल बैठी होती है, वो वाला पेड़ है ये। और रात को जो नींद आई भाई साहब, बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति, पता ही नहीं चला। मतलब मैं सोया हूँ शायद 12:30 सोया हूँ, और अब उठाऊँ सीधा 9:00, और अभी टाइम हो गया है पूरे 11:00। तो अभी बस सब कुछ रेडी है, सब कुछ मैंने पैक कर लिया है। ये है अपना स्टिकर अपने चैनल का, कैसा लगा मेरे को बताना आप कमेंट करके। ये किसी और ने लगा रखा है, राइडर्स कम्युनिटी ऑफ बंगाल, ये अपना है। तो अब जहाँ भी जाएंगे अपना स्टिकर छोड़ के जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे मेरी तरह और मौज ले रहे होंगे। तो अभी सीन ऐसा है, 11:00 हैं, तो मेरा सब कुछ सामान सब कुछ रेडी है, बस अपने कपड़े पहनने हैं और निकलना है। और यहाँ से है कल्पा 4 आवर्स का, तो आराम से घूमते घुमाते चलेंगे। और आज की राइड छोटी है, बढ़िया है। मैं तो कल थक गया था और फिर लेट सोया सारा व्लॉग वगैरह एडिट करके सोया। और यार ये देखो यार, ये मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, मेरे को कोई जुगाड़ ही नहीं मिल रहा है इसको लगाने का। अब एक हाथ मेरा, दोनों हाथ मेरे बंद गए हैं, अब क्या करा जाए। कोई नहीं, आज करता हूँ ऐसा कुछ जुगाड़, अभी तक तो मेरे को मिला नहीं ऐसा कुछ जुगाड़। और इसके बिना ना आवाज़ भी अच्छी नहीं आती, जैसे फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, पता नहीं या तो मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है क्या है, अच्छे से आवाज़ आती ही नहीं, बहुत ही स्लो आवाज़ आती है, और इससे बिल्कुल बढ़िया आवाज़ आती है। ओके जी, तो अभी सब कुछ अपना रेडी हो गया है। देखो बाइक कहाँ खड़ी है मेरी, कितनी सिक्योर। पहले तो मैं पानी भर के लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ पानी कहाँ से लिया मैंने रात। इतने बाइक को कर देते हैं स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी सी। ये रहा पानी चिल्ड, अरे तो हाथ धो लेते हैं। हाँ, फुल चलने थे भाई साहब, फुल। लिटल मुश्किल बट कर लिया मैंने मैनेज। हेलमेट पे लग रहा है ऊपर। पिछली बारी क्या हुआ, मेरा दोस्त गया था अमन मेरे साथ, उसने ग्लव्स ना ऐसे उतार दिए, साइड में रख दिए, और बिना ग्लव्स के चलता रहा। और ना उसने अपने मुंह पे कोई बानकलावा पहना था, तो भाई साहब उसके दोनों हाथ जल गए ऊपर से, रिएक्शन कर गया धूप से। और उसकी ये नोज़, यहाँ पे नोज़ भी जल गई, और कम से कम 10 दिन में ठीक हुई है। 137 किलोमीटर, और आप नज़ारे एंजॉय करो। हाँ, आज अलग मज़ा आएगा। कल मैं ना थोड़ा सा थका हुआ था, नींदों में था। अगर मैं कल आराम से उठ के आता ना, नींद पूरी करके आता, तो सच में बता रहा हूँ रामपुर तो आराम से रुक सकता था मैं। लेकिन ये है ना, अकेले जब हो वो भी बाइक पे, तो पुश नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ओए होए होए, आराम आराम से चलो, मज़े लेके घूमने आए हो, आराम से घूमो। ओ माय गॉड, टेम्परेचर 35। कुछ ऐसा कुछ रोबोट आ जाए ना, कि बाइक पे सामान रखा और सामान बंद, मतलब सामान वो हो गया, टाई अप हो गया, बंद गया, ओए होए मज़ा ही आ जाए भाई साहब। सुबह उठ रहे हैं, सीधा बाइक पे सामान रखा और बैठ के चल दिए, अब 10 मिनट तो इसको बांधने में लग जाते हैं। और अभी तो मैंने एक जुगाड़ किया है, इससे थोड़ा सा टाइम बच जाए, और बचता भी है। लेकिन ऐसा कोई लगेज आया नहीं है कि भाई रखा और रखते फटाफट से लॉक।
ये गाइस मस्ती मस्ती टाइम मस्ती टाइम, भगाएं थोड़ी भगाएं भाई साहब, क्या भागती है। चलो 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 चलो, खड्डे 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 पड्डे सब ऊपर, पता भी नहीं चलता, एक नंबर बाइक। ओए होए होए, इतना सुंदर है यार, कितना ब्यूटीफुल है। और आज भी वेदर थोड़ा सा फोगी फोगी सा है, क्लियर इतना है, धूप पड़ रही है सीधी, हरा भरा भाई सब जबरदस्त, मजेदार राइड हो रही है, मजेदार। ये आ गया रामपुर, बस इतनी सी दूर था रामपुर। रामपुर में टेम्परेचर पता कितना है, 39, मेरी बाइक 39 दिखा रही है और मेरे को फील भी हो रहा है भाई साहब गर्मी। ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड, सब पूरी रोड टूटी हुई है, ऑफ रोडिंग के बाद कितनी सुंदर रोड आ गई, बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी बनाई हुई है। ओए होए होए भाई साहब, नज़ारे नज़ारे तो कम हो ही नहीं रे। ओए होए भाई साहब, यहाँ से क्या व्यू है, जहाँ पे खड़े होते हैं। दो मिनट पानी पूनी पीता हूँ, इधर से चढ़ के एक नंबर व्यू आएगा। ओए होए 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 भाई साहब, अमेजिंग क्या व्यू है इधर से, ब्यूटीफुल। ये क्या उतर गया, अरे इसका ये भी उतर गया, क्या जबरदस्त हवा चल रही है, मजा आ गया भाई साहब। पानी पी के सही हो गया, प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर बहुत है यार। वैसे तो हवा ठंडी है लेकिन वो भी चल रहे हैं तब लग रही है हवा, तो 37 दिखा रहा है, और जहाँ तक कि मेरे को लग रहा है ना बारिश आएगी। ये होगी भाई साहब किन्नौर वैली स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी किन्नौर वैली। और ये रोड देखो, ये कर्व, ओए होए होए होए, जन्नत भाई साहब जन्नत। ओए होए भाई साहब वाटरफॉल, यहाँ हम अपना भर लेंगे पानी ठंडा ठंडा पीने का, सर टैंकर भी यहाँ भरता है का, वाओ नाइस 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 नाइस। ये देखो कैसे टैंकर भर रहे हैं, एक नंबर। हेलमेट वेलमेट सब भीग क्या, गोप्रो भी पहाड़ी चला गया होगा, गोप्रो में नहीं जाता, मैंने पढ़ा था गोप्रो की साइट पे भी पढ़ा था, वैसे गूगल भी किया था कि मीडिया मोड लगाने के बाद ये वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है, प्रूफ नहीं होता। तो वाटर रेजिस्टेंस का मतलब है कि आप हल्की फुल्की बारिश में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो ये थोड़ा थोड़ा पानी है, सूख जाएगा ये जैकेट भी गिल्ली होगी लेकिन सूख जाएगी, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने गिला हुआ हूँ कि भी सूख जाऊँगा, मेरे को पता है। बोलो बाइक नंबर HR। बेटे ये तो मेरे जैसा दिखता है, अभी यहाँ से दिखा रहा है 70 किलोमीटर। हाँ हाँ भाई साहब, गिल्ले होने के बाद तो बढ़िया ठंडा ठंडा हवा लग रही है। वैसे एक काम तो है कि जुगाड़ सो सकता है, अगर गर्मी में ये वाली ऊपर वाली जैकेट है ना मेरी, ये बड़ी जल्दी सूख जाती है, अगर मैं इसको गीला कर लूँ और पहनूँ तो बढ़िया काम होगा। नेक्स्ट राइड पे ना वापस जाते हुए अगर गर्मी हुई तो ट्राई करूँगा।
वैसे तो ये पैंट भी ऐसी है। ये आ गई भाई साहब जगह, सबसे फेमस जगह इस रूट की। सबको ये लगती है बहुत डेंजरस, लेकिन मेरे को लगता है बहुत सुंदर। अरे वाह, एक नंबर जगह है ये। सबसे फेमस पॉइंट स्पीटी का हमने कर लिया पार। ओए हो, ये वाला पहाड़ देखो, बिल्कुल चोटी सीधा। और इस हाथ में लग रही है ठंडी हवा, और इसमें लग रही है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसको भी गिल्ला कर ले, मजा आ जाएगा। ओए होए होए यार, कितना सुंदर है, कितनी ऊंची पहाड़ी है ये। ये देखो, ये खतरनाक है, ये लगता है मेरे को खतरनाक। ये खतरनाक क्यों लगता है? क्योंकि ये ऊपर से पत्थर गिरते हैं, और एक भी पत्थर लग गया ना, भाई साहब सब खत्म है। ये खतरनाक लगता है मेरे को। खैर इन्होंने तो ये चीज़ बना रखी है, यहाँ पे तो पत्थर नहीं गिरेंगे, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे को खतरनाक क्या लगता है। तो इस रोड पे जितनी जल्दी हो सके भैया निकल जाओ। एक भी पत्थर, ये देखो ये बिल्कुल गिरने को तैयार है। थोड़ी सी बारिश आएगी और ये भाई साहब नीचे, कमाल की ब्यूटी है भाई साहब। होए 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 भाई साहब, देख रहे हो कितना सुंदर है यार। वाह, सबसे सबसे सुंदर पैच लगा मेरे को ये वाला। ओ तेरे बेटे, हाय 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 हाय, मजे मजे, इनक्रेडिबल जगह है। देख रहे हो ऐसा। ओए होए, ब्यूटीफुल, 100 में से 100 नंबर, इतना सुंदर है, जन्नत जन्नत भाई साहब जन्नत। ओ तेरी, ब्रिज कैसे हिल रहा है। ओ भाई बोल रहे हैं मेरी फोटो खींच दो, फोटो खींचते हैं भाई। ये फ्लैग्स देखो, फ्लैग्स कैसे, कितनी तेज हवा, उधर के तो सब उड़ गए हैं, इधर इधर के रह गए। ये वैली देखो भाई साहब, अमेजिंग, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, इतनी सुंदर लग रही है ना। धूप पड़ रही है और इतनी ग्रीनरी, ओए होए होए होए, किन्नौर वैली सबसे ब्यूटीफुल वैलीज में तो एक है। ये देख रहे हो भाई साहब, बिल्कुल खाली रोड, कोई भी नहीं, और वो बर्फ वाले पहाड़ दिखने शुरू हो गए। अब ना मेरे को याद नहीं आ रहा, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था ना, नदी के बिल्कुल साथ में एक ढाबा था, मेरे को मिल जाएगा तो वहाँ रोकता हूँ। और देखो बाइक कैसे जाती है अपनी। ये आ गया भाई साहब पुल, इसमें एक बार में एक ही व्हीकल जाएगा। अरे स्कूल के बच्चों की वैन, डिस्काउंट डिस्काउंट, वाव। ऊपर बादल भी आ गए, धूप भी चली गई। अब इस पुल से लेफ्ट, वो वाली रोड थी सीधी सीधी, वो लैंडस्लाइड आई तो रोड ख़त्म, तो इसलिए पहले इनको लेफ्ट लेना पड़ा, फिर आगे से फिर राइट लेना पड़ा इस रोड को जोड़ने के लिए। ये सीन था, वो उधर लैंडस्लाइड हुई थी बढ़िया वाली। ये लो भाई साहब, एंजॉय करो आप। ओए होए, व्यू देखो, व्यू एंजॉय करो, चारों तरफ छाया, सिर्फ बर्फ़ वाले पहाड़ पे धूप।
अमेजिंग। अरे भैया मोड़ आ गया, बर्फ वाले पहाड़ के चक्कर में भी घुस गया होता मैं मिलिट्री में। हर्षन वो कैलाश चोटी है, वो जो दिखी है कैलाश चोटी, हम कल्पा जाएंगे कल्पा से भी दिखेगी, या तो वो कैलाश चोटी है या वो कैलाश चोटी है। वो तो कुछ ज़्यादा ही ऊंची है यार, असल में यहाँ से छोटी दिख रही है, वो बहुत बड़ा पहाड़ होगा। स्पेशल बोर्ड लगा रखा पीछे कैलाश दर्शन, किन्नर कैलाश, एक नंबर जगह है ये। और स्पेशली ये पैच कल्पा से आगे काजा तक अलग ही दुनिया है, अलग ही। और ये देखो भाई साहब, ये देखो लैंडस्लाइड, क्या तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है। ओए होए, अब यहाँ से है 13 किलोमीटर, वो 13 किलोमीटर चढ़ाई ही चढ़ाई है, तब आप हिसाब लगाओ कि 13 किलोमीटर में हम कितनी ऊपर पहुंच जाएंगे। ये क्या ही नज़ारे हैं, एक नंबर व्यू। रोकता हूँ यार 2 मिनट शांति से। ओए ओए अमेजिंग, उस पहाड़ी पे भी कोई नहीं घर दिख रहा मेरे को, बर्फ वाली पे तो चलो कोई है ही नहीं। ओए होए होए भाई साहब, यहाँ से व्यू देखो आप। ओए क्या देख रहा है चुटकू, ये देखो ये कल्पा वाला बाईपास, रिकॉन्ग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बाहर ही बाहर से आ जाएगा कल्पा। और है फुल चढ़ाई फुल भाई साहब। एक ना यहाँ पे ना सुसाइड पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट है तो मतलब ऑब्वियस ही बात है बिल्कुल पीक पे ही होगा। वो देखते हैं क्या है, पहले वो देखते हैं फिर रूम लेते हैं। ओए होए होए यहाँ से दिख रही है भाई साहब वैली, ये है सुसाइड पॉइंट। ओ माय गॉड, वहाँ से आए हम, उस रोड से आए हमने, ऊपर कितने ऊपर आ गए यार, ये लिटरली सुसाइड पॉइंट है भाई साहब। ओए होए होए होए, अमेजिंग अमेजिंग। वो देखो वो रेलिंग टूटी होगी, वो देखो नीचे पड़ी हुई है, कैसे लटकी हुई है जैसे कोई धागा होता है, मतलब पानी गिर रहा है और फिर गायब, लिटरली गायब हो रहा है। ओए होए होए, ये तो वर्त जगह है भाई साहब। और ये नीचे से ना दो जगह है, दो रास्ते हैं रिकॉन्ग पियो कल्पा आने के, एक नीचे नीचे जो हम आए हैं और एक उधर से वो बस आ रही है। ओए ओए, ये पीछे देखो कितना ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल वैली है, परफेक्ट भाई साहब। वो आ रही है बस, ये देखो भाई साहब। ओए ओए ओए, सुसाइड पॉइंट भी देख लिया, वो वाटरफॉल भाई साहब, वो मेरे को इतना सुंदर लग रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन जगह बहुत अमेजिंग है यार। सुसाइड पॉइंट तो वर्थ है कल्पा का, बस अब चलते हैं रूम लेते हैं। तो ये कुछ है भाई साहब अपना रूम, जो कि बहुत ही बढ़िया है, नया होटल खुला है और पूरे होटल में मैं हूँ सिर्फ अकेला, क्योंकि यहाँ पे किचन नहीं है, किचन का हमने करना भी क्या है। और ये बाहर से व्यू, ये भाई साहब पूरी कैलाश पर्वत, एक नंबर।